सब्सक्राइब कीजिए पिजन मस्ती चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पिजन मस्ती पे। दोस्तों आज की वीडियो कुछ ऐसी होने वाली है कि हमने एक जो मद्रासी कबूतर पकड़ा था वो प्योर मद्रासी नहीं था, मद्रासी क्रॉस है, ठीक है, क्रॉस में है कबूतर। दोस्तों वो कबूतर हमने पकड़ा था वो आपको पिछली वीडियो में ही हमने बता दिया था कि भाई वो कबूतर जिधर से आया वो हमारे छत से बहुत नज़दीक उसकी छत है, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे भाई का कमेंट्स था कि भाई हम पास से कबूतर लाते हैं खरीद के, फिर वो वापस चले जाते हैं, तो कैसे टिकाएं, कैसे छत पे सेट करें कबूतर को, ठीक है, ऐसा ऐसा कमेंट्स था। तो भाई हम सब कुछ इसमें बताने वाले हैं। देख लो यही कबूतर है, इसका पहले हम पर खोलते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है। ये देखो दोस्तों कबूतर का पर खोल दिया है, पंख देख लो इसके कैसे हैं, इस साइड के भी देखो, बहुत अच्छी कबूतरी है दोस्तों। देख लो इसकी आँखें, ठीक है, मद्रासी क्रॉस में, ठीक है, इसका पंजा भी देखो। और दोस्तों इसको जब छोड़ो तो ऐसे फेंक मत देना, एकदम आराम से ऐसे छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि अभी उसको नहीं पता है कि उसका पंख खुला है कि नहीं, ठीक है, अभी उसको लग रहा होगा कि उसका पंख बंधा हुआ है इसीलिए वो ऊपर जाके नहीं बैठी। अगर आप फेंकोगे तो उसको तुरंत पता चल जाएगा कि पंख खुल गया है और वो डर के इधर उधर निकल भी जाएगी, इसीलिए एकदम आहिस्ता से नीचे छोड़ दो कबूतरी को, कम से कम आधा घंटा एक घंटा जितना भी समय हो सके आप घूमने दो, ठीक है। हम लोग तो अभी 20-25 मिनट घूमने देंगे। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब नज़दीक से कबूतर लाओ या फिर किसी का कबूतर आ गया तो उसको कम से कम 20-25 दिन उसके पर बांध के रखो या फिर पर काट दो। तो हमने इतना जल्दी क्यों खोल दिया दोस्तों? सबसे पहली बात तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हम भाई कबूतर को देखते हैं कि कबूतर हमारे कबूतरों के साथ घुला मिला है कि नहीं, कबूतर हमसे डर रहा है कि नहीं। दोस्तों जब हमने इसको पकड़ा था तो 3-4 दिन तक ये बहुत डरती थी हमारे कबूतरों के साथ, घुली मिली नहीं, साइड साइड में रहती थी, थोड़ा बहुत दाना खाती थी, लेकिन अभी कुछ दिन से, एक हफ्ते से पूरा प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि ये कबूतरों के बीच में घुल मिल गई है, ठीक है, हमसे भी नहीं डरती। हम रोटी दाना कुछ भी डालते हैं तो हमारे पास में आ जाती है, खाने लगती है, बिल्कुल नहीं डरती, और लॉफ्ट में भी अपने आप चली जाती है, हम लॉफ्ट खोलते हैं तो ढुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बाकी सब कबूतरों के साथ में, ठीक है। तो हमें ऐसा लगा कि भाई इसका पर खोल देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये देख लो हमारे घर के जो पट्टे निकले थे ब्रीडिंग प्रोग्रेस में दिखाया था, ठीक है, हमने आज इनको बाहर भी निकाला है कि थोड़ा दाने पे चोंच चोंच मारें, ठीक है, थोड़ा घूमें फिरें, हवा लगे, ठीक है। और दोस्तों हमारे जो कबूतर दीवार पे ये बैठे हुए हैं, अब इसको भी हमें आदत लगाना है कि अब तुम्हें भी यहाँ पे बैठना है इस दीवार पे, ठीक है, इसको ऐसा आदत हो जाना चाहिए कि अगर ये उड़ के भी आए तो इसी दीवार पे बैठे और किसी छत पे या फिर और कहीं ना चली जाए, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा डराएंगे और वहीं पे बैठा देंगे दोस्तों, अभी उड़ाना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, अभी हल्का सा डराएंगे और ऊपर बैठा देंगे, ठीक है, और ध्यान देना कि ये उड़े ना, ठीक है, इसको हल्का सा ही डराना। देखो अभी ये देखो ये बैठ गई, ठीक है दोस्तों, अब इसको आराम से, अब उसके पास भी नहीं जाना क्योंकि अगर शायद आप पास जाओ तो शायद डर के उड़ जाए, ठीक है, बिल्कुल छोड़ देना है, वो अपना इलाका देखें, पूरा नज़र मारे कि हाँ इधर मेरा घर है, क्योंकि अभी कबूतरी को 10 दिन हुआ है और जिधर से ये आई है उसका घर भी बहुत नज़दीक है और उसके घर की पट्टी लग रही थी मेरे को, ठीक है, जो भी हो लेकिन इसका घर बहुत नज़दीक है, तो इसको बिल्कुल ज़्यादा डराना नहीं है, उसके पास ज़्यादा नहीं जाना, ठीक है, अपने कबूतरों में इसको बैठे रहने देना है, कबूतरों में तो घुल मिल गई है, ठीक है, शायद ही उड़े यहाँ से, ठीक है, तो अभी बैठे रहने दो दोस्तों। उड़ाना तब है, 1 या 2 दिन के बाद उड़ाएंगे, ठीक है, कि जब अगर ये कबूतरी उड़े तो बाई चांस अगर जिधर से आई अगर उधर भी राउंड मारते हुए चली गई, क्योंकि उसका घर ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, तो अगर उधर भी चली गई तो उधर ये बैठे ना, क्योंकि कबूतर को आदत हो जाता है जिस जगह पे बैठने का उसी जगह पे ज़्यादातर बैठता है, ठीक है, तो अब इसको हमें आदत लगा देना है कि अब तुमको इसी दीवार पे बैठना है, ठीक है, तो इसको जितना ज़्यादा समय हो सके इस दीवार पे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप जितना दिन बैठा सको इसको बैठाओ, उसके बाद हल्का सा उड़ाएंगे, ठीक है, तो अभी कुछ नहीं करना, इसको जैसे बैठिए वैसे बैठे रहने दो, अगर बाई चांस अगर ये उड़ने की कोशिश कर रही है या फिर किसी पक्षी उच्छी से डर के उड़ गई
तब आपको अपने कबूतरों को ध्यान देना है कि इसको अकेले नहीं उड़ने देना है, अपने कबूतर तुरंत कुछ उड़ा देना है और कुछ छती पे बैठे रहने देना है। अगर नहीं उड़ती तो आपको बिल्कुल भी डरा के नहीं उड़ाना है, ठीक है। देखते रहो दोस्तों, हम आगे आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे। और अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स करके बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। देख लो दोस्तों, ये ऊपर बैठी है, ठीक है, अब काफ़ी टाइम हो गया है तो थोड़ा अब इसको बुलाएंगे, ठीक है। देखो अभी दाना मार रहे हैं और दाना मारते समय दोस्तों आवाज़ भी मारो, आओ 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 आओ, ठीक है। इससे दोस्तों आवाज़ मारने से क्या होता है कि अगर आवाज़ मारोगे तो वह आपकी आवाज़ को पहचानेगी, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पुराने कबूतर है वो आपकी आवाज़ पे नीचे आएंगे तो वो देखेगी। वो अभी ज़रूरी नहीं है कि वो आ जाए, ठीक है, आप दाना फेंकोगे तो ज़रूरी नहीं है वो आ जाए, लेकिन वो धीमे धीमे पहचानेगी। लेकिन अभी नहीं आएगी लेकिन बाद में आने लगेगी। तो कभी भी दाना डालो तो थोड़ा आवाज़ मार दिया करो दो तीन बार, ठीक है। देखो हमारे कबूतर आके नीचे दाना खाने लगे लेकिन वो नहीं आई अभी तक, ठीक है। दोस्तों क्या है, अभी कुछ टाइम हो गया है 15-20 मिनट, तो अभी इसको एक दो बार नीचे ऊपर भी कराना ज़रूरी है। नीचे आएगी फिर ऊपर जाके बैठेगी इस तरीके से, ठीक है। देखो आती है कि नहीं, आओ 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 आओ, ठीक है, देख लो नीचे आने को दोस्तों देख रही है लेकिन अभी आ नहीं रही है, ठीक है, थोड़ा डर रही है। कोई बात नहीं, नहीं आ रही है उसको बैठे रहने दो, कोई टेंशन की बात नहीं, हल्का हल्का दाना मारो कि कबूतर आपके जो हैं वह भी आ जाएँ। देखो ये पुरानी हमारी आ गई, अभी दो ऊपर बैठे हैं, ठीक है, ये भी आने को देख रही है लेकिन आ नहीं रही है। आओ आओ, चल आओ आओ आओ। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उसको ज़्यादा टाइम अकेले दीवार पे भी नहीं बैठने देना, क्योंकि अगर मान लो बाई चांस आपके सब कबूतर नीचे हैं और वो कहीं और ही देख रही है, फिलहाल तो अभी ये उड़ने को नहीं देख रही, नीचे आने को सोच रही है लेकिन शायद हमसे थोड़ा डर रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आओ आओ आओ। दोस्तों जब पहली बार कबूतर दीवार पर बैठता है ना तो जल्दी नहीं आता, और हमने बिल्कुल भूखा भी नहीं रखा है। आप थोड़ा सा भूखा रख सकते हो शाम के समय पे, लेकिन हमने बिल्कुल भी भूखा नहीं रखा है भाई, जितना दाना देते थे उतना ही दिए, इसीलिए ये अभी नहीं आ रही है। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि देख लो दोस्तों कबूतर अगर इसको जाना होता तो ये अभी तक जितना समय से दीवार पर बैठी है नीचे आने को देख रही है इतना नहीं देखती, ठीक है, ये सीधे उड़ती और चली जाती, क्योंकि इस छत से इसको घर भी दिख रहा होगा अपना, ठीक है। लेकिन ये पता चल रहा है कि ये उड़ने वाली नहीं है, जब हमारे कबूतर उड़ेंगे तभी उड़ेगी, ठीक है। देखो अभी भी ये भाई नीचे नहीं आई, हमारे कबूतर तो खा रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं लेकिन ये नहीं आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो अभी। दोस्तों देखते जाओ कि ये भागती है, रहती है, क्या होती है, ठीक है, आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा, ठीक है। और भाई एक और बात बोल दूँ, जो भाई हमारे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, ठीक है। देखो दोस्तों अभी वो अकेली बैठी थी, थोड़ा पर फड़फड़ा रही थी, ठीक है, ये देखो दोस्तों इस तरीके से कबूतर करे तो बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है। और अगर बाई चांस कबूतर उड़ भी जाता है तो उसके साथ में 3-4 कबूतर जो नीचे उड़ते हैं वो उड़ा दो और कुछ बैठे रहने दो, या फिर फड़क दे के उतार लो उसको, अकेले तो बिल्कुल नहीं उड़ने देना चाहिए, ठीक है, देखते रहो। और दोस्तों बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भाई प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर दिया करो, आप कमेंट्स में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, आपका जो दिल करे वो कमेंट्स कर दिया करो, ठीक है भाई, आप लोग कमेंट्स करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और अच्छी अच्छी वीडियो डालने का मोटिवेशन मिलता रहता है, ठीक है। दोस्तों जब ये नीचे आती है तब वीडियो वो करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी नहीं तो, ठीक है, अभी वीडियो स्टॉप करता हूँ। दोस्तों ये देखो ये नीचे आ गई है, ठीक है, नीचे आके अपना दाना खा रही है कबूतरों के साथ में, हमारे कुछ कबूतर ऊपर भी बैठे हैं, कुछ नीचे भी हैं, कुछ दाना खा रहे हैं इसके साथ में, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से इसको दाना खाने देना है, थोड़ा थोड़ा दाना डाल देना है, ठीक है, इसको छत पे आज़ादी से घूमने देना है। और दोस्तों जिस दिन आप नए कबूतर का पर खोलो तो भाई एक दो दिन उसको मत उड़ाया करो, ठीक है, क्या आपने पर बांध के रखा था तो कबूतर नीचे आपके छत पे घूमता था, वो आपके छत को पहचानता था, दरबे को पहचानता था, लॉफ्ट को पहचानता था, लेकिन वो जो आपका इलाका है
वो जो ऊंचाई वाली जगह है दोस्तों, मैं तो इनको इसी पे बैठाता हूँ जो दीवार का रेलिंग होता है उस पे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे भाइयों का भाई अलग सा छत हो, मतलब छत नीचे होगा तो दूसरे के छत पे छतरी बना रखी होगी भाई, कुछ ऐसा जिस पे वो बैठाते होंगे, ठीक है। तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे मैं इस पे बैठा रहा हूँ आप वैसे बैठा सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपका छत ऊंचा है या कुछ भी, तो भाई थोड़ा आपको आसानी रहती है कि जैसे कबूतर उड़ भी जाते हैं तो आपको कबूतर दिखाई पड़ते हैं कि भाई कबूतर कहाँ जा रहा है, तो आप नए कबूतर को फड़क दे के बैठा सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों नीचे भी छत है, चाहे आपकी कैसी भी जगह छत है, तो जहाँ आपके पुराने कबूतर बैठ रहे हैं वहीं पर बैठाया करो, ठीक है। और कोशिश करो दोस्तों जो छतरी है आपकी वो ज़्यादा मतलब ऐसा बनाया करो कि आसानी से आप कबूतरों को उड़ा भी सको, नीचे भी वो करना है तो कर दिया करो, ठीक है। ऐसी छतरी बनाया करो, ठीक है दोस्तों। देख लो अभी कुछ बेबी पिजन से जो अपने माँ बाप से फीडिंग भी ले रहे हैं, ठीक है। ये देखो दोस्तों इसी तरीके से आपको करना है, कबूतरों को जब नया कबूतर होता है ना उसको पूरा घुलने मिलने देना है अपने पुराने कबूतरों में, ठीक है। जब ये उड़ेगी भी ना तो आपके कबूतरों को पहचानेगी, ठीक है। तो आपके कबूतरों के साथ घूमेगी, आपके कबूतर नीचे आएंगे तो वह भी नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अपने कबूतर को ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। कोई ज़्यादा भाई इसमें मुश्किल नहीं होती, ठीक है दोस्तों। आगे की वीडियो देखो, देखो अभी हम इसको ऊपर भी बैठाएंगे। दोस्तों देखो अभी ये ऊपर जाके बैठ चुकी है हमारे कबूतरों के साथ, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से बैठे रहने देना है, ठीक है। और दोस्तों आपको ध्यान देना है कि कोई आप जब नए कबूतर को अपने छत पे वो करो तो भाई ऐसा नहीं कि आप छत से नीचे चले जाओ, आप बैठे रहो, उसका ध्यान दो कि कोई अगर मान लो पक्षी आ जाए तो डर के उड़े ना। अगर डर के उड़ भी जाए तो भाई आप उसको फड़क दे के चाहे कैसे भी उसको छत पे वापस बैठा दो, ठीक है। और दोस्तों कभी भी आप अपने छत छोड़ के जाया करो, ये देख लो ये ईगल है, ठीक है, चील है दोस्तों, ये कितना नीचे आके घूम रहा है, ठीक है। दोस्तों आप कभी भी अपने छत छोड़ के नीचे जाया करो तो जो आपके बेबी पिजन्स होते हैं तो उनको अपने लॉफ्ट के अंदर घुसा दिया करो, ठीक है। जब तक आप छत पे हो तब तक उनको भी रहने दो, जब नीचे जा रहे हो तो भाई अंदर घुसा दो। क्या है जो बड़े पक्षी होते हैं भाई इनका आसानी से शिकार कर सकते हैं, ठीक है। जो बड़े कबूतर हैं वो तो भाई उनमें बहुत ज़्यादा चटक होती है, उड़ जाएंगे। लेकिन जो ज़्यादा छोटे होते हैं, जो अभी मतलब उड़ते हैं लेकिन सही ढंग से नहीं उड़ पाते, उनको अंदर कर दिया करो, ठीक है। देखो दोस्तों अभी नीचे बुला रहे हैं कबूतर को, ठीक है, नीचे सब आ रहे हैं, हमने दरवाज़ा खुला रख दिया है, ठीक है। दोस्तों हमारे कबूतर का यही है भाई, वो अपने टाइम से अंदर बाहर, देखो अभी टाइम हो गया इन लोग का, ठीक है। इसलिए अब सब जो हमारे कबूतर है धीमे धीमे अंदर जाना चालू कर दिए, ठीक है। देखो हमारे जितने भी कबूतर बैठे थे वो अपने आप जो है नीचे आ गए और कुछ कबूतर अंदर भी चले गए, ठीक है। अभी देखो ये भी नीचे आती है कि नहीं, ठीक है। अगर दोस्तों नहीं भी आती है तो आपको करना क्या है, आपको कोई डंडे से या कपड़े से नहीं कुछ करना है, आप हल्का सा जाओ और उसको हाथ से नीचे उतार लो, ठीक है। देखो अभी ये आती है कि नहीं, थोड़ा आवाज़ मारो, आओ आओ आओ, ठीक है, शायद आवाज़ पे आ जाए। दोस्तों आप पूरी कोशिश करो कि आपका कबूतर आपकी आवाज़ पहचाने, अगर आवाज़ पहचानेगा, मान लो उड़ भी रहा है ना, अगर कहीं और भी जा रहा है और अगर आप आवाज़ मारोगे तो वो वापस आपकी आवाज़ पे आ जाएगा, ठीक है। देखो आओ 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 आओ, देख रहे हो पुराने कबूतर जो हैं वो आवाज़ कितना ज़्यादा पहचान रहे हैं, ठीक है। हमारी आवाज़ मारने पे हमारे सारे कबूतर नीचे भी आ गए जो एक आध बैठे थे, लेकिन अभी ये नहीं आए, ठीक है। देखो दोस्तों अभी ये अकेली बैठी है, ठीक है, देखो आने का देख रही है, ये आ गई, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको भी करना है। और दोस्तों हम ये भी आपको बता देंगे इसी वीडियो में कि अगर मान लो आपका कबूतर नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो। भाई अगर ऊंची जगह है तो भाई आपको उतारने में बहुत मुश्किल होगा, और आप बिल्कुल छोड़ दो कबूतर को, उसको खुद से ही आने दो, ठीक है। अपने पुराने कबूतर को उधर बैठा दो और उसको बुलाओ, वो नीचे आएगा तो उसका देख के वह भी आ जाएगी, ठीक है। जो आपका नया कबूतर है वह भी पुराने को देख के नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई दीवार है ऐसी जगह जहाँ पे आप जा सकते हो, तो आप अपना हाथ जो है धीमे से वो करो और उसको बुला लो, हम बताते हैं कैसे कर। तो दोस्तों हमने दोबारा से हल्का सा डराया और कबूतर को ऊपर बैठा दिया, ठीक है। दोस्तों जब
वो करो तो ऊपर भी एक दो कबूतर बैठा दिया करो, ठीक है। देखो अभी हम लोग लेकिन ऐसे ही इसको हाथ से हल्का सा वो करके नीचे देखो कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। हाथ पीछे साइड से किया करो, ये देखो ऐसे बस हल्का सा, टच नहीं करना है, पकड़ने की कोशिश नहीं करना है, हल्का सा आप उसके हाथ पीछे ले जाओगे, हल्का सा वो डराओगे, वो अपने आप नीचे आ जाएगी, ठीक है। और दोस्तों देखो अंदर कैसे इसको ले जाना है, अंदर धीमे धीमे ऐसे करके वो कर दो, ठीक है भाई। हमारे जो पुराने कबूतर है वो तो अपने आप चले जाएंगे, या फिर आप हल्का उसके अंदर दाना डाल दिया करो, ठीक है। कबूतर दाना खाने के लिए अपने आप चले जाएंगे, तो आपको लॉफ्ट में घुसाने में कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। हम लोग तो यही करते हैं भाई, क्या है कि हमारे कुछ कबूतर अभी ब्रीडिंग भी कर रहे हैं, बच्चों को भी खिलाना होता है, तो अंदर देख लो दाना हम लोग डाल दिए हैं, हमारे कबूतर अंदर जाके खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन नए वाले नहीं जाएंगे, तो थोड़ा हल्का फुल्का डरा के वो कर देना है, ठीक है। ये देखो दोस्तों इसी तरीके से आपको करना है, आपका भी कबूतर कहीं नहीं जाएगा। अब जो नए कबूतर को उड़ाना है वो अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो भाई आपको कर देना है वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से कोई और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।